हेलो दोस्तों, आज हम टीएच ग्रीन के राजनीतिक विचारों के ऊपर बात करेंगे और टीएच ग्रीन के राजनीतिक विचारों के अंतर्गत अधिकार के ऊपर टीएच ग्रीन के किस प्रकार के विचार हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि टीएच ग्रीन के अनुसार अधिकार क्या है। तो टीएच ग्रीन के अनुसार जो अधिकार है वह व्यक्ति के एक प्रकार से नैतिक दावे होते हैं जो समाज के द्वारा क्या किए जाते हैं, दिए जाते हैं। टीएच ग्रीन का मानना है कि जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं समाज के द्वारा दिए जाते हैं और राज्य जो है वो उन अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है। क्योंकि अधिकार होंगे तभी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकता है, साथ ही समाज की भलाई के लिए भी व्यक्ति के पास जो है वो अधिकार होने चाहिए। अधिकार के लिए टीएच ग्रीन ने भी प्राकृतिक अधिकार शब्द का इस्तेमाल किया है, जैसा कि हमने लॉक के भी विचारों में देखा है कि लॉक के जो विचार हैं तो लॉक के भी विचारों में हमें प्राकृतिक अधिकार जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन लॉक और ग्रीन के प्राकृतिक अधिकारों के अंतर्गत अंतर है। लॉक के और ग्रीन के जो प्राकृतिक अधिकार है उन दोनों के प्राकृतिक अधिकारों में अंतर दिखेगा। लॉक के अनुसार जो प्राकृतिक अधिकार हैं वो लोगों के पास जन्म से होते हैं, जबकि ग्रीन के अनुसार जो प्राकृतिक अधिकार हैं वो एक प्रकार से नैतिक विस्तार के लिए हैं, लोगों के नैतिक उत्थान के लिए। तो यही एक बुनियादी अंतर है लॉक और ग्रीन के प्राकृतिक अधिकारों के अंतर्गत। तो यही लॉक, यही ग्रीन का प्राकृतिक अधिकार के ऊपर विचार है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि यही ग्रीन का अधिकार के ऊपर विचार है। तो ग्रीन के अधिकारों के अंतर्गत बस इतना ही। धन्यवाद।